जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया। जी आज का जो मेरा वीडियो दिल्ली पुलिस में जो आप लोग की कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकल के आई थी, 7547 आप लोग की टोटल वैकेंसी थी, 5056 मेल और 2491 फीमेल कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म मेन्स पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई किए गए थे, जिसके कि रिटर्न एग्जाम यहाँ पे SSC के द्वारा लिया गया था। रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आया, आप लोग को कट ऑफ की जानकारी, और इसके अलावा यदि आप लोग रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया है फिजिकल के लिए तो फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आप लोग के यहाँ पे आ चुके हैं। A to Z जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई। आज का जो मेरा वीडियो है, एडमिट कार्ड के साथ साथ आप लोग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर के जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स कब के होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, वार्ड सर्टिफिकेट, मीन सारी जानकारी आप लोग को मेरे स्टूडियो में जाने। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है भर्ती देखोगा, जी हाँ, एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक, उस पर क्लिक करके आप लोग भर्ती देखो पाएंगे। यहां आने के बाद आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोग को सिलेबस से रिलेटेड जानकारी, जी हाँ, फिजिकल से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी। PMT वगैरह आप लोग का जो होने वाला है, जी हाँ, PMT और आप लोग का होने वाला, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी गई, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह। और इसके अलावा जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे दिल्ली पुलिस एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक दिया, इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप लोग को अपनी डिटेल डालनी है, जी हाँ, 13 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक आप लोग के यहाँ पे फिजिकल चलने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, और जो भी आप लोग का वेरीफाई ह्यूमन दिया है, ठीक है, प्लस करने को बोला है, प्लस करके आप लोग लिख के सर्च कर लेंगे, एडमिट कार्ड का लिंक आप लोग का आ जाएगा। इसके अलावा यदि आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता, रोल नंबर पता, रोल नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, प्लस करने को बोला है, प्लस करके लिखिए, सर्च कीजिए, आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। या फिर इसके अलावा आप लोग यहाँ पे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी आप लोग से बोला गया वो करने के बाद आप लोग जो है यहाँ पे सर्च कीजिए, आप लोग का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक आ जाएगा। जी हाँ, इस प्रकार का पेज आप लोग का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को पूरी डिटेल दी होगी, रोल नंबर, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी वगैरह, PEMT वगैरह, रिपोर्टिंग टाइम वगैरह, और नीचे आप लोग का क्लिक हियर टू प्रिंट एडमिट कार्ड कॉल लेटर, तो इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग का कॉल लेटर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जी हाँ, यही है आप लोग का फिजिकल का एडमिट कार्ड। इसी एडमिट कार्ड को आप लोग को लेकर के जाना है फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, जी हाँ, शारीरिक क्षमता है मापदंड परीक्षा। टिकट नंबर वगैरह आप लोग को दी है, एग्जाम डेट यानी कि फिजिकल की डेट वगैरह, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आप लोग को पूरी जानकारी, रिपोर्टिंग टाइम आप लोग को दिया गया है, तो रिपोर्टिंग टाइम आप लोग का 7 बजे का है। 7 बजे से पहले आप लोग वहां जाएंगे, जी हाँ, उपस्थित हो जाएंगे जब आप लोग को बुलाया जा रहा है। डेट वगैरह आप लोग को दी गई है, नाम फादर नेम एड्रेस वगैरह पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे, फोटोग्राफ आप लोग को दी गई है। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, एक फोटो आप लोग को यहाँ पे चिपकानी है, सेम टू सेम फोटो आप लोग चिपका सकते हैं यदि आपके पास अवेलेबल है। यदि सेम टू सेम नहीं है तो लेटेस्ट आप लोग के पास जो भी फोटोग्राफ है अपनी फोटो ही आप लोग को यहाँ पे लगानी है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं, जो कि आप लोग को फिजिकल के समय ही करने होंगे, अभी आप लोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को फोटोग्राफ लगाना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोग को वेन्यू दिया गया, कहाँ पे आप लोग का फिजिकल होने वाला है वो एड्रेस आप लोग को दिया गया, वहीं पे आप लोग को पहुंचना है। चलिए, पूरी डिटेल आप लोग रीड करेंगे, और इसी एडमिट कार्ड का जो आप लोग का फ्रंट पेज है इसका प्रिंट आउट निकाल करके आप लोग लेकर के जाएंगे। जी हाँ, ई प्रवेश पत्र के अतिरिक्त, तो ई प्रवेश पत्र आप लोग का इसका प्रिंट आउट चाहिए, 2 प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे, एक आप लोग अपने पास सेफ रखेंगे और एक आप लोग लेकर के जाएंगे। जी हाँ, ई प्रवेश पत्र के अतिरिक्त आप लोग को हाल में खींची हुई पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ, तो फोटोग्राफ आप लोग को लेकर के जाना, एक फोटो आप लोग चिपका देंगे और 2 फोटो आप लोग अपने पास रख लेंगे। चिया, और इसके अलावा आप लोग को मूल जन्म तिथि के प्रमाण पत्र, इसके अलावा आप लोग को एडमिट कार्ड फोटोग्राफ के साथ साथ, या तो आप लोग के पास पासपोर्ट हो या फिर आधार कार्ड हो, ड्राइविंग हो, सर्विस ID हो, कर्मचारी या विश्वविद्यालय कॉलेज, मतदान पहचान पत्र, ठीक है, इसके अलावा पैन कार्ड, भूतपूर्व के डिस्चार्ज या फिर केंद्र राज्य द्वारा प्रदान किया गया फोटो, कोई भी ID प्रूफ आप लोग के पास है आप लोग को लेकर के जाना होगा। आधार कार्ड है तो बेस्ट है, आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको लेकर जाना ही है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, 1 या 2 आप लोग आईडी कार्ड आप लोग रख लेंगे, तो एडमिट कार्ड हो गया, फोटो हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, ये तीनों चीजें आप लोग की इम्पोर्टेंट हो गई, नोट कर लीजिए। इसके अलावा शैक्षिक प्रमाण पत्र, तो जो भी आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई थी कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, शैक्षिक प्रमाण पत्र आप लोग को लेकर के आना होगा, 10, 12 जो भी, ठीक है, और प्रमाण पत्र यानी कि आप लोग का सर्टिफिकेट होगा वो आप लोग लेकर के जाएंगे। चलिए, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, यदि आप लोग SC ST OBC से आते हैं तो आप लोग को जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाना होगा, EWS से आते हैं तो EWS का लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को प्रमाण पत्र, और इसके अलावा पुलिस वार्ड प्रमाण पत्र लेकर के जाना होगा। इसको लेकर के बच्चे कंफ्यूजन की स्थिति में थे, तो पूरी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ। जी हाँ, पुलिस वार्ड प्रमाण पत्र ये सभी को नहीं चाहिए, ये उन्हीं कैंडिडेट को चाहिए जो कि जिनके की फादर दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस MTS स्टाफ के अंतर्गत जो कार्यरत हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं या फिर शहीद हो गए हैं किसी कारण, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं,
उन्हीं के जो फैमिली मीन्स जो स्टूडेंट जो सन है उन्हीं को यहाँ पर पे पुलिस वार्ड प्रमाण पत्र लेकर के जाना होगा। मीन्स उनके फादर या तो वर्किंग में हो या फिर रिटायर हो गए हो या फिर शहीद हुए हो, तो उनको ही यहाँ पे पुलिस वार्ड प्रमाण पत्र लेकर के जाना है और किसी को लेकर के नहीं जाना है। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र ये भी सभी को लेकर के नहीं जाना है। आप लोग यदि पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, हाइट में आप लोग छूट ले रहे हैं, तो आप लोग को अपना सर्टिफिकेट जो आपका बनता है वो लेकर के जाना है, सभी को लेकर के नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से खेल प्रमाण पत्र सभी को लेकर के नहीं जाना है। यदि आप लोग के पास है, आप लोगों ने अप्लाई किया, तो आप लोग खेल प्रमाण पत्र यहाँ पे लेकर के जाएंगे, नहीं तो सभी को लेकर के नहीं जाना है। इसके अलावा विभागीय प्रमाण पत्र, आप लोग विभागीय हैं, कर्मचारी वगैरह हैं, ठीक है, तो आप लोग वो प्रमाण पत्र लेकर के जाएंगे, सभी को लेकर के नहीं जाना है। इसके अलावा सभी प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी यानी कि ओरिजिनल आप लोग को लेकर के जाना है और एक फोटोकॉपी आप लोग सभी के करा के उसका एक सेट बना लेंगे, स्टेपलर आप लोग कर लेंगे जी। तो मैंने आप लोग को बता दिया यहाँ पे कौन कौन सी चीजें किसको लेके जानी है और किसको नहीं लेकर के जानी है। ध्यान रखिएगा, सभी चीजें सभी को लेकर के नहीं जानी है, जिसको जरूरत है यानी कि जो जिसके लिए एलिजिबल है वही चीजें आप लोग लेकर के जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आप लोग के पास ड्राइविंग मीन्स शारीरिक क्षमता। तो जैसा कि आप सभी का नोटिफिकेशन आया था कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसमें साफ साफ आप लोगों को बताया गया था कि आप लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि फिजिकल के समय आप लोग को देखा जाएगा। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस फिजिकल के समय आप लोगों से मांगा गया था, तो आप लोगों ने अभी तक बना लिया होगा। और लर्नर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, पक्का लाइसेंस आप लोग के पास होना चाहिए यानी कि मूल ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग के पास होना चाहिए। लर्नर यहाँ पे नहीं चलने वाला है, मोटरसाइकिल का हो, कार का हो या दोनों का हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के पास LMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए इस वक्त फिजिकल के समय, ध्यान रखिएगा। ऐसा आप लोगों से बोला गया था नोटिफिकेशन में, यदि आप लोगों ने नोटिफिकेशन रीड किया होगा। दिया यही है वो नोटिफिकेशन। और मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप लोग की जो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट थी वो 30 सितंबर 2023 है, यही वो डेट है जिस डेट को आप लोग के पास सर्टिफिकेट होने चाहिए सभी। इसकी जानकारी आप लोग को नीचे दी जाएगी। जी हाँ, 30 सितंबर 2023 इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, यही आप लोग की क्रूशियल डेट है। तो इसमें जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं तो आप लोगों से यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दी गई थी, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। इसमें आप लोग का एक ऑप्शन तो नीचे था जिसमें कि 12th आप लोगों से मांगा गया था, मैंने आप लोग को बताया 10th और 12th की सर्टिफिकेट अगर आप लोग लेकर के जाएंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 7.2 मेल कैंडिडेट में प्रोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMV मोटरसाइकिल कार ऑन द डेट ऑफ PEMT। तो फिजिकल के समय आप लोग का मोटरसाइकिल कार या मोटरसाइकिल कार दोनों जैसे भी है, ठीक है, LMV लाइसेंस आप लोग को यहाँ पे लेकर के जाना है, लर्नर नॉट एक्सेप्टेड। तो ये बिल्कुल क्लियर है आप लोग का, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन आप लोग की दूर हो चुकी होगी, लर्नर नहीं चलेगा, पक्का आप लोग को लेकर के जाना है। जी हाँ, और इसके अलावा आप लोगों ने यदि NCC RUI आप लोगों ने कर रखा है उसका प्रमाण पत्र, यदि आप लोग अधिक अंक लेना चाहते हैं तो वो प्रमाण पत्र भी आप लोग को लेकर के जाना होगा, उसकी जांच आप लोग की होने वाली PEMT के समय। इसके लिए अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा की अंतिम तिथि तक मान्य होगी, मैंने आप लोगों से बताया ये डेट आप लोग की क्रूशियल डेट है, फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट, इसी डेट को आप लोग के सभी सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास। तो इसी प्रकार से NCC या फिर RUI प्रमाण पत्र ये भी आप लोग का लास्ट डेट तक आप लोग के पास है तभी आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। और यदि आप लोगों ने ये कर रखा है तो बिल्कुल आप लोग लेकर के जाएंगे, आप लोग को इसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए, इसके अलावा आप लोग को बताया गया शारीरिक क्षमता एवं मापदंड के दौरान कोई यदि आप लोग की जो फिजिकल होने वाला है इसमें कोई दुर्घटना वगैरह होती है तो इसके लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेवार नहीं होने वाला है। और इसके अलावा शारीरिक क्षमता और मापदंड के समय किसी भी कोई भी यात्रा भत्ता वगैरह आप लोग को नहीं दिया जाएगा यानी कि कोई अलाउंसेज वगैरह आप लोग को नहीं दिया जाएगा आने जाने के लिए। और शैक्षिक योग्यता ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पात्रता को पूरा नहीं करते हैं तो उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यानी कि यदि आप लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पक्का मूल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या फिर आप लोग शैक्षिक योग्यता जो 12th क्लास मांगेगी आप लोग नहीं है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। जी हाँ, इसके अलावा आप लोगों को बताया गया है पहाड़ी क्षेत्र, तो सर्टिफिकेट आप लोगों को सभी लेकर के जाने हैं। पहाड़ी क्षेत्र अनुसूचित जाति, तो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं या फिर आप लोग अनुसूचित जनजाति से आप लोग आते हैं, ST से आप लोग हाइट में छूट ले रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग को अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वगैरह आप लोग को दिया है। इसके अलावा आप लोग को बताया गया है दौड़ में यदि आप लोग पास हो जाएंगे उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पे लंबी कूद और ऊंची कूद में भाग लेने दिया जाएगा। लंबी कूद और ऊंची कूद में आप लोग को 3 अवसर यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है, और लंबी कूद और ऊंची कूद में अयोग्यता के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी। तो 3 चांस आप लोग को यहाँ पे मिलने वाले हैं, लॉन्ग जम्प, हाई जम्प में, रनिंग में एक ही चांस आप लोग को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, रनिंग आप लोग की एक ही होगी, रनिंग क्लियर करने के बाद लॉन्ग जंप और हाई जंप होगी जिसमें कि आप लोग को 3-3 चांस मिलने हैं, 3 चांस में आप लोग को क्लियर करना होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप अलग अलग।
चलिए इसके अलावा आप लोग को बताया गया है, इसके बाद शारीरिक जो आप लोग की क्षमता की जांच होगी यानी कि हाइट वेट वगैरह आप लोग का देखा जाएगा, हाइट वेट चेस्ट ये आप लोग का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होने वाला है पीईटी के बाद। चलिए इसके अलावा आप लोग को बताया गया है वेन्यू यानी कि आप लोग के जो भी एड्रेस वगैरह दिया गया जहां भी आप लोग को बुलाया जाएगा वहीं पे आप लोग को जाना है, कहीं और आप लोग को एड्रेस चेंज की यहां पे बात नहीं स्वीकार की जाएगी। और आप लोग को सलाह दी जाती है कि एक दिन पहले आप लोग सेंटर पे जाके सेंटर को देख ले ताकि उस दिन आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। चलिए इसके अलावा आप लोग कोई मूल्यवान चीज वगैरह फोन वगैरह ये सब चीजें नहीं लेके जाएंगे, खोने की जिम्मेवारी आपकी ही होने वाली है। अनुसूचित जाति जनजाति और इसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस से आरक्षण का लाभ आप लोग लेना चाहते हैं, उसे सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आवेदन की अंतिम तिथि, देखिए बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूँ, 30/9/2023 आवेदन की अंतिम तिथि पर आप लोग को जो आरक्षण के हकदार हैं आप लोग को प्रमाण पत्र होना चाहिए। अंतिम तिथि तो 30/9/2023 तक आप लोग के पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप लोग एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं ले रहे हैं तो आप लोग, जी हाँ इसी में आप लोग को ऊपर यहाँ पे दिया गया है एससी एसटी ओबीसी के बारे में आप लोग देखेंगे, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस 30/9/2023 की आपकी जो लास्ट डेट थी उस डेट तक आप लोग का होना चाहिए। ओबीसी आप लोग का है ठीक है, सेंट्रल लिस्ट में आप लोग का होना चाहिए, जी हाँ सेंट्रल का होना चाहिए आप लोग का, ध्यान रखिएगा। लेकिन ओबीसी आप लोग का सेंट्रल लिस्ट में वैलिड है, लेकिन यदि आप लोग का ओबीसी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का है तो भी आप लोग का वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। तो इस प्रकार से सेंट्रल लिस्ट सेंटर का आप लोग का यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी एनसीटी दिल्ली या फिर सेंट्रल का है तो भी आप लोग का वैलिड है। और इसके अलावा आप लोग को बताया गया है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी आप लोग का जो फाइनेंशियल ईयर है उसी का होना चाहिए और लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल ईयर में है तो आप लोग का वैलिड हो गया, फाइनेंशियल ईयर का तो होना ही चाहिए लेकिन लास्ट डेट जो आप लोग का 30/9/2023 है उससे पहले का ही होना चाहिए। चलिए इसी प्रकार से एससी एसटी आप लोग का जो भी क्रूशियल डेट है उससे पहले का होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप लोग की 30/9/2023 तक होनी चाहिए 10+2। और इसके अलावा आप लोग को पूरी डिटेल दी है ठीक है, लाइसेंस वगैरह आप लोग का फिजिकल के समय होना चाहिए। तो ये यही सब चीजें हैं, पूरी तरीके से मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है टेलीग्राम से जुड़ी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। इसके अलावा महिला अभ्यर्थी है, गर्भवती है, बच्चे को जन्म दे चुकी है या फिर गर्भपात वगैरह हो गया है तो पीएमटी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती और इसके लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा ठीक है। तो ये पूरी डिटेल मैंने आप लोग को दे दी, अपनी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम आती है पूछिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट टू टेम्बर जंच पहले आप लोगों से एक होंगे, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर बताया कि इसी प्रकार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगता है। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।